हाय, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ मैं अपनी टीम के साथ। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आजकल कि डॉक्टर अजय, आप एक स्पेशल टेक्निक से गायनेकोमास्टी सर्जरी करते हैं जिसमें सामने स्कार नहीं आता, हम स्विमिंग पे, बीच हॉलीडे पे कभी भी जाएंगे तो कोई बता नहीं सकता कि गायनेकोमास्टी सर्जरी हुआ है, ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या इस टेक्निक से सारा ग्लैंड निकल जाता है? क्या इस टेक्निक से शेप बेटर आती है? सो अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट्स है, सो इन दिस वीडियो मैं सारे की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। देखिए, गायनेकोमेसिया सर्जरी जो होता है वो बहुत ही कॉमन सर्जरी है, हम महीने में 50 से 60 गायनेकोमेसिया सर्जरीज करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्जरी से हमारा जो शेप है वो कैसा होगा, क्या इस सर्जरी से हमारा पूरा का पूरा ग्लैंड निकल जाएगा। तो देखिए, ये बहुत कॉमन सर्जरी है, हम महीने में 50 से 60 गायनेकोमेसिया सर्जरीज करते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पेशेंट्स खुश रहते हैं, उनकी जो शेप आती है वो बहुत ही शानदार आती है, उनका जो स्कार होता है वो किसी को दिख नहीं सकता, कोई चेस के सामने स्कार नहीं आता। इवन इफ यू दे आर गोइंग ऑन स्विमिंग हॉलीडे, इवन इफ दे आर गोइंग ऑन अ बीच हॉलीडे, उनके दोस्त जो उनके साथ हैं वो बता भी नहीं पाते कि उनकी कभी कोई गायनेकोमेसिया सर्जरी हुई है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो हमने डेवलप की है लास्ट 6-7 ईयर से, और सिर्फ हम ही नहीं, कुछ और प्लास्टिक सर्जन भी हैं जो दुनिया में करते हैं, बट हाँ, उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज बहुत कम है, बिकॉज इस टेक्निक के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए और साथ में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। सो स्किल्स यानी सर्जन हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स दोनों होते हैं, तभी आप ये टेक्निक कर पाते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो सब पूछते हैं कि क्या इससे मेरा पूरा ग्लैंड निकल जाएगा। जो सामने डॉक्टर कट देते हैं उसको तो वो देख लेते हैं और सारा कट करके सारा ग्लैंड निकल जाते हैं, तो क्या इस टेक्निक से भी सारा ग्लैंड निकल जाएगा? सो लेट मी टेल यू कि कैसे निकल जाएगा। हम हमेशा पूरा का पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं, कोई गायनेकोमेसिया छोड़ते नहीं है आप, जो हल्का सा एक कफ ऑफ टिश्यू छोड़ते हैं निप्पल के नीचे, ताकि निप्पल और एरियोला गड्ढे में ना बन जाए, वो एक अजीब शेप रखती है, उसको बोलते हैं क्रेटर डिफॉर्मिटी। तो ये इंश्योर करते हैं कि वो गड्ढे में ना चले जाए, क्रेटर डिफॉर्मिटी ना हो जाए। कैसे होता है? लेफ्ट हैंड ऑफ द सर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लेफ्ट हैंड से सारा का सारा चेस्ट फील करते रहते हैं और आप इधर हाथ से, राइट हैंड से लाइपोसक्शन या ग्लैंड दोनों चीजें करते रहते हैं, लेफ्ट हैंड कीप्स गाइडिंग। आप सोचिए, जिसको गायनेकोमेसिया वो फील कर सकता है, उसको फील होते हैं वो टिश्यूज, वो ग्लैंड, आप फील करके वो सारा का सारा ग्लैंड निकाल देते हैं। ऑफ कोर्स टिश्यू फील जो चमड़ी की है और मसल की और ग्लैंड की अलग होती है, एक एक्सपीरियंस सर्जन फील कर देता है कि कितना ग्लैंड है और कितना ग्लैंड नहीं है। आपने जब सारा ग्लैंड निकाल दिया तो इजीली फील, अगर कभी-कभी बहुत रेयर केसेस में उनको डाउट लगता है तो एक अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं ओटी टेबल पे देखने के लिए कि कोई ग्लैंड निकला या नहीं, बचा या नहीं बचा, सारा ग्लैंड निकल गया निकल गया, बट ये भी जरूरत पड़ती है तो ही करते हैं हम, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है। सो सारा ग्लैंड निकल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% श्योरिटी है। इनफैक्ट मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इस सर्जरी से शेप, मतलब स्कार तो नहीं आता लेकिन शेप भी बेटर आती है। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ क्रिएटर डिफॉर्मिटी इज वेरी लेस। अब आप समझिए, अगर आप ऐसे खोल कर चमड़ी को खोल के सर्जरी कर रहे हैं, आपने सारा निकाल दिया, जब चमड़ी बंद करते हैं तो लगता है अरे ये तो ज्यादा निकल गया, ये तो गड्ढा बन गया, लेकिन जब हम ऐसे सर्जरी कर रहे हैं कहीं और से, तो वो एरिया आपको स्किन रीड्रेप्ड ही है, स्किन उठी नहीं है, तो आप फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कहीं गड्ढा तो नहीं बन रहा, कहीं ओवर सक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं ओवर रिमूवल तो नहीं हो रहा, तो ये चीजें आप साथ साथ देखते रहते हैं। तो चांसेस ऑफ क्रिएटर डिफॉर्मिटी इन दिस टेक्निक इज लेस, एंड ये डॉक्यूमेंटेड है, आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर पब्लिश, मैं नहीं कह रहा हूं, आप आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। सो एक डॉक्टर है कनाडा के, फ्रैंक लिस्टर साहब, वो भी ये सर्जरी करते हैं इस टेक्निक से। सो ये पब्लिश्ड है कि इस सर्जरी से, इस टेक्निक से चांसेस ऑफ रिकवरी इन अ स्मूदर मैनर इज बेटर, फास्टर रिकवरी है, स्वेलिंग ब्रूजिंग कम है, स्कार नहीं दिखता और साथ में क्रिएटर डिफॉर्मिटी बनने के चांसेस कम है। ये टेक्निक हमने, मैं विद ऑल हम्बलनेस बोलता हूँ कि हमने काफी कॉमनली करते हैं, महीने में बहुत सर्जरीज होती हैं एंड इसीलिए हमारे इसमें स्किल सेट भी बढ़ती गई है क्योंकि हम कॉमनली करते रहते हैं।
अगर इस विषय पे गायनेकोमेक्सिया के बारे में आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पेशेंट वांटेड को कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आके हमसे मिल सकते हैं, एंड मी एंड माय टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली। अगर कोई और भी डाउट है सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय।